हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू आरएनसी नर्सिंग एकेडमी। तो आरएनसी नर्सिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए न्यू रिक्रूटमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड की वैकेंसी होने वाली है, सेंट्रल मुंबई की, इंटरव्यू फॉर पैरामेडिकल्स कैटेगरी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी है, मुंबई की मुंबई डिवीज़न की होने वाली है। रिकॉर्डेड व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस, आपका इंटरव्यू व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस से होने वाला है, व्हाट्सएप कॉलिंग से होने वाला है। और फॉर्म फिल जो होगा वो भी ऑनलाइन आपको ईमेल आईडी पे भेजना है। ये जो पोस्ट है ग्रुप सी के अंदर जो दी गई है, जिसमें जो वैलिड है, दिस स्कीम इज़ वैलिड 31/12/2020 को ये वैलिड है, जिसमें आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जो पीरियड रहेगा वो रहेगा 31/12/2020 तक आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रहेगा, और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसमें अपन डिस्कस करेंगे क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस से आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें डेट ऑफ जो होगी फॉर्म सेंड करने की, जो डेट ऑफ लास्ट डेट है वो 20 जुलाई तक आपको सेंड कर देना, और 27 जुलाई तक आपको वो कॉलिंग आएगी इंटरव्यू के लिए तक आ सकती है। और स्टाफ नर्स की वैकेंसी होने वाली, जिसमें आप देख सकते हैं srdpo@bb.railnetgovernment.in ईमेल आईडी पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है नीचे दिए गए वो सेंड कर देना है। और ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आपको इसके थ्रू आपको व्हाट्सएप कॉलिंग आएगी, इस पे आपको कुछ सेंड नहीं करना है, ओनली आपको इसके थ्रू करना है, ईमेल आईडी के थ्रू आपको जो फॉर्म है वो सेंड करना है। और जिसमें लास्ट डेट मैंने बता दिया आपको 20 जुलाई, और नो एप्लीकेशन एक्सेप्ट आफ्टर 20 जुलाई। तो 20 जुलाई से पहले आपको फॉर्म फिल करके भेज देना है। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला था, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 32 वैकेंसी है, और पे ग्रेड काफ़ी अच्छा है, 44,900 का पे ग्रेड है। और सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफरी 3 ईयर्स JNM, और जो BSc कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार का जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ यूटिलाइज बोथ क्वारंटीन एंड आइसोलेशन सेंटर, डिपेंडिंग ऑन रिक्रूटमेंट के आधार पर आपको लिया जाएगा। OBC ST SC सभी वर्ग के कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैटेगरी रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ नहीं होगी, और टर्मिनेट करेंगे उससे पहले आपको 15 डेज तक का आपको रेजिग्नेशन पीरियड का टाइम मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट जो वैकेंसी है, बट पे ग्रेड काफ़ी अच्छा है। अब इसमें आपको इस ईमेल आईडी पे आपको फॉर्म सेंड कर देना है, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी है वो OBC है ST SC है उस कैटेगरी में, और NOC अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या आप कहीं कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको NOC देनी पड़ेगी। प्राइवेट वालों को कोई ज़रूरी नहीं NOC की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप हो तो दे सकते हैं, और अकेडमिक एजुकेशन जो भी GNM BSc आपकी जो रिक्रूटमेंट जो भी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आपको देनी है। और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट, डन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, इन केस ऑफ डाउट द नेक्स्ट कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट। अगर आपने फॉर्म फिल सही किया, सही आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको इसमें लेंगे, नहीं तो आपको ये डिस्कार्ड कर सकते हैं और दूसरों जो भी वेटिंग लिस्ट में आएंगे उनको ये बुला सकते हैं। और इसमें आपको देख सकते हैं पूरा फॉर्म है, जिसमें आपको यहाँ पे फोटोज पेस्ट करना है और पूरा आपको यहाँ पे अपना बायोडाटा फिल करना है। फॉर्म फिल करके आपको ऐसे ही PDF बना के और डॉक्यूमेंट जो भी दिए गए वो अटैच करके उनकी कॉपी आपको ईमेल पे सेंड कर देनी है। और भी इससे रिलेटेड अपडेट के लिए अपने RNC नर्सिंग अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।